हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक कॉल आया हमें नागरदेवले गांव से। एक पानमलकर बस्ती है और वहां से हमें पानमलकर जी ने कॉल किया कि बताया हमारे खेत के पास एक स्नेक दिखाई दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, देखते हैं वहाँ पर जाके कौन सा स्नेक मिलता है। इकडे जाणे शक्य नाही। पडला असता तिथं आम्ही ना बॉल गेला म्हणून तिथं गेलो होतो। तर ते येणे ना आणि बघितलं ते म्हणलं आहे तिथं काहीतरी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नसल वाइपर स्नेक, बिल्कुल अजगर की मिमिक्री करने वाला, उसी की तरह दिखने वाला। और ये नसल वाइपर स्नेक हाईली वेनमस, बहुत ही जहरीला, भारत का सबसे ज्यादा जहरीला ये सांप, जिसे हम महाराष्ट्र में घुनस नाम से जानते हैं और इंडिया में रसल वाइपर स्नेक नाम। फिर एक बार बता रहा हूं दोस्तों, इंडिया में इसे रसल वाइपर स्नेक कहा जाता है और महाराष्ट्र में घुनस। इसकी पहचान है, आप देख सकते हैं त्रिकोणीय आकार की तरह, मेंढक जिस तरह है उस तरह उसका मुंह दिखाई देता है और गर्दन से लेकर यहां से लेकर के यहां तक गोलाकार, ऐसे हल्के से पीले, हल्के से काले कलर में, हल्के से चॉकलेटी, हल्के से काले और हल्के से पीले कलर में धब्बे दिखाई देते पूंछ की तरफ, और पूंछ की तरफ वो धुंधले हुए दिखाई देते, देखिए यहाँ पर। और उस पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में बॉर्डर दिखाई देती है। और ये दिखने में अजगर जैसे दिखता है। अभी जिन्होंने हमें पानमलकर जी ने कॉल किया था उनको लगा ये अजगर ही है। रमेश पानमलकर, इनका ये घर है यहाँ पर ही खेत के पास। उन्होंने स्नेक देखा और वैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया। और ये जो साहब आप देख रहे हैं ये रसल वाइपर स्नेक अजगर की तरह दिखने वाला, और ये ज्यादातर ठंड के मौसम में ज्यादा निकलते हैं और किसानों को बहुत ही ज्यादा तादाद में काटते हैं, क्योंकि ये खेत के आसपास ही मिलता है। आपने देखा अभी थोड़ा बहुत वहां पर पेड़ पौधे थे उसमें ये दिखाई दिया। और जब किसान जब अपना कुछ काम करने बाहर आता है तो ये गलती से इसके ऊपर पैर गिर जाता है तो ये काट लेता है। इसके काटे जाने पर क्या करना है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल, किसी वक्त कोई इलाज नहीं। अगर किसी जड़ी बूटी के इलाज चक्कर में या फिर किसी मांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ोगे तो मारे जाओगे। इसके काटे जाने पर सिर्फ एक ही इलाज है, हॉस्पिटल, एंटीवेनम लेना ही पड़ेगा। तो अपने याद रखना है दोस्तों कि ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा निकलते हैं, इसकी पहचान याद रखिए। फिर एक बार बता रहा हूँ, मुंह देखिए, बिल्कुल मेंढक जिस तरह है उस तरह दिखाई देता है, त्रिकोणीय आकार की तरह। और यहाँ से लेकर के पूंछ की तरफ वो झालर की तरह आप देख सकते हैं गोलाकार, हल्के से काले, हल्के से पीले कलर में धब्बे दिखाई देते हैं और उस पर व्हाइट कलर में बॉर्डर दिखाई देती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा हिसाब 5 फीट 2 इंच तक बढ़ते हैं। तभी इसको हम बैग में डालेंगे दोस्तों, एक अच्छी जगह पर फॉरेस्ट में इसको रिलीज करने के लिए जाएंगे। हाँ ना, तो कसला आवाज येतो कोण काय अजून 5 मिनिट जर नसता आलं ना तर खालो। दोस्तों, कल रात को पानमलकर बस्ती में एक स्नेक रेस्क्यू किया था जिसका नाम रसल वाइपर स्नेक। मैंने बताया कि ये ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा निकलते हैं, इसलिए हमने सतर्क रहना है। और ये बहुत ही गुस्से वाला सांप होता है, जहरीला, वेनमस।
जिसे हम महाराष्ट्र में घुनस नाम से जानते हैं और इंडिया में रसल वाइपर स्नेक, भारत का सबसे जहरीला सांप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया। दोस्तों अगर आप इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस और सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।